प्रिया यामाहा के नए शोरूम पर यामाहा ने अपनी हाइब्रिड माइलेज चैलेंज एक्टिविटी का किया आयोजन। आसमान को छूती हुई पेट्रोल की कीमत के बीच यामाहा ने ग्राहकों के लिए किया हाइब्रिड माइलेज चैलेंज प्रोग्राम। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर यामाहा का ग्राहकों के लिए हाइब्रिड माइलेज चैलेंज बहुत ही अहम साबित हुआ। अयोध्या देवकाली बाईपास प्रिया यामाहा के नए भव्य शोरूम पर यामाहा ने अपनी हाइब्रिड माइलेज चैलेंज एक्टिविटी का आयोजन किया, जिसमें कंपनी के इंजीनियर गौतम शर्मा तथा एजेंसी मैनेजर सूरज भान मौर्या एवं समस्त स्टाफ तथा बहुत सारे यामाहा प्रेमी ने भाग लिया। सभी यामाहा के ग्राहकों को रैली का आयोजन किया गया तथा ग्राहकों की यामाहा की गाड़ी का माइलेज चेक किया, जिसमें सभी को पुरस्कार ट्रॉफी सर्टिफिकेट वितरण किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार श्याम बहादुर ने जीता, जिनकी गाड़ी का माइलेज 89 किलोमीटर प्रति लीटर आया। दूसरा पुरस्कार संगीता सिंह ने जीता, जिनकी गाड़ी का माइलेज 81 किलोमीटर प्रति लीटर आया। तीसरा पुरस्कार शशांक गुप्ता एवं जहीर हसन ने जीता, जिनकी गाड़ी का माइलेज 70 किलोमीटर प्रति लीटर आया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यामाहा मोटर इंडिया दो पहिया वाहन की दुनिया में सबसे पुरानी कंपनी है। यह कंपनी समय समय पर मोटरसाइकिल व स्कूटर के नए नए मॉडल मार्केट में उतारती रहती है और इस तरह का कार्यक्रम करके अपने यामाहा प्रेमी ग्राहकों के लिए जागरूकता का आयोजन करती है। इस आयोजन में यामाहा कंपनी के पदाधिकारी ने यामाहा के सभी ग्राहकों को यातायात के नियम बताए तथा गाड़ी को चलाने का सही तरीका बताया, जिससे माइलेज अच्छी तरह से निकल पाए। सभी की गाड़ियों में पेट्रोल डालकर 21 किलोमीटर तक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राहकों को उनकी गाड़ी का माइलेज पता चले और इस तरह से ग्राहक काफ़ी संतुष्ट नजर आए। सभी लोगों को नाश्ता दिया गया तथा प्रिया यामाहा की ओर से श्याम किशोर जायसवाल ने सभी ग्राहकों के लिए उपहार व सर्टिफिकेट द्वारा पुरस्कृत किया। श्याम किशोर जायसवाल यामाहा शोरूम के प्रोप्राइटर हैं। इनका नया एवं भव्य यामाहा शोरूम नोखे का पुरवा NH-27 देवकाली बाईपास के पास है, जहां पर सभी मॉडल की मोटरसाइकिल व स्कूटर उचित दामों पर फाइनेंस सुविधा के साथ उपलब्ध है। आज यामाहा स्कूटर माइलेज एक्टिविटी है, अर्थात स्कूटर का माइलेज कितना है इसकी एक टेस्टिंग है, जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि एक्चुअल माइलेज कितना है। आप जो गाड़ियाँ चलाते हैं उसमें सबसे बेहतर माइलेज आज यामाहा कंपनी का है, हमें पता है, लेकिन हमारे उपभोक्ता को नहीं पता। हम उन्हें बताते हैं कि हमारी यामाहा का माइलेज 70-80 के आसपास है, वो सुन लेते हैं लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उस विश्वास को मजबूत करेंगे, क्योंकि उनकी गाड़ी में ही हम पेट्रोल डाल रहे हैं और उनके द्वारा ही चलाया जा रहा है, यानी कि सारा एक्सपेरिमेंट सारी टेस्टिंग उनकी गाड़ी में हो रहा है। हम किसी और दूसरे की गाड़ी में प्रयोग करके एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, एक स्वयं की गाड़ी में चलाकर एक टेस्टिंग के थ्रू ये माइलेज निकलेगा और आपके सामने भी आज ये फाइनल हो जाएगा कि वास्तव में यामाहा का स्कूटर आज सबसे अच्छा माइलेज दे रहा है। श्याम किशोर जायसवाल, प्रोप्राइटर, प्रिया मोटर्स। यहाँ पे माइलेज चैलेंज एक्टिविटी हमने प्रोग्राम किया था प्रिया मोटर्स पे। प्रिया मोटर्स नया ब्लू स्क्वायर शोरूम बनाया, इसी को ध्यान में रखते हुए कस्टमर अवेयरनेस के लिए जो स्कूटर के कस्टमर हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने उनके माइलेज चेक को चेक करने का प्रोग्राम यहाँ रखा है, क्योंकि माइलेज को लेकर के काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। लोगों को लगता है कि मेरे को माइलेज इतना मिलता नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे स्कूटर में अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज़ बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज़ दी गई हैं, जिसकी वजह से हम अपने गाड़ी में अच्छा माइलेज क्लेम कर सकते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस की बात अगर हम कहें तो हमने अपने स्कूटर में कम से कम 80 से 90 के एमपीएल का माइलेज निकाला है,
जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज ये प्रोग्राम रखा गया है जिसमें कस्टमर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी इसका जो है जो रिजल्ट है वो भी निकले। क्या नाम है आपका? गौतम शर्मा, मैं यहाँ पे एरिया सर्विस में।